यार ये सीट कैसे उतारते हैं? आपको पता है सीट कैसे उतारते हैं? बेबी की कार सीट मैंने लगवा तो ली थी अपने फ्रेंड की हेल्प से, पर अब यूट्यूब ने हेल्प करी है, देख के आया हूँ ऊपर से कैसे करना है। ओके, डिसेंबल तो हो गई है, इसको असेंबल करते हैं दूसरी गाड़ी में। चलो भाई सीट लगाते हैं दूसरी कार में। जब मैं ये सीट लेके आया था ना, कार सीट ये जिस्मायरा के लिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने देखी थी ना, इजी वे क्या है, क्योंकि सीट लगाते लगाते पहले 15-20 मिनट लग जाते थे। तो मुझे एक दिखी किसी बेबी मतलब टॉयज आर अस वालों ने कहा कि क्लिक एंड कनेक्ट आता है, तो मैंने कहा वो क्या होता है भाई? कहते हैं भाई ये आवाज आई तक अभी नहीं आई, अच्छा ये ऐसे लगा दो तक की आवाज आएगी, ये ऑल है बस लग गई हल्की सी। अरे इट वर्क, क्या कहते हो, चलेगा ना, दौड़ेगा? लेके चलते हैं और फिर बताते हैं आज का व्लॉग हम कहाँ जा रहे हैं। What's up guys, thanks for tuning back to our channel, welcome to our next vlog, I hope aap sab log acche honge. Sabse pehle hi from Mr. Amrit, let me introduce to you Mr. Amrit Hanjra. Amrit hi. Hi Amrit, viewers hi. Hi, hello everyone. And Arvind is back and with us we have Harpreet as well. Toh aaj sab log milke kahan ja rahe hain, ये चीज़ बताने के लिए थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे। अमृत और मैं यहाँ पे कनाडा में, और वो भी सेंट जॉन न्यू ब्रंसविक में, सन 2018 में आए, 2018 सितंबर में, राइट? और हम दोनों ही एमबीए करने आए। जब हम यहाँ आए, सेकंड कॉन्वर्सेशन हमारी क्या थी कि क्या यहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है? बिल्कुल, राइट। अमृत काफ़ी सर्च करते करते थक गए, पूरे न्यू ब्रंसविक में गुरुद्वारा साहिब नहीं मिला। चलो जी, थोड़ी सी निराशा ज़रूर हुई, क्योंकि एक तो हम सब अपना घर बार छोड़ के आए, अकेले थे, और एमबीए जो हम करने आए थे उसका स्ट्रेस, विच वॉज वेरी इंटेंसिव, राइट? तो जो गुरुद्वारा साहिब भी था सबसे नियरेस्ट, वो भी 400 किलोमीटर दूर, हैलीफैक्स, राइट, जो कि एक दूसरे स्टेट में पड़ता है, एक अलग प्रोविंस में पड़ता है, और उस समय हमारे पास कोई कार भी नहीं थी। तो क्या बताएं, क्योंकि गुरुद्वारा एक ऐसी जगह होती है, गुरुद्वारा मंदिर, जहाँ पे आदमी के दिल को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, यू नो, सीरीन प्लेस, सेरेनिटी, चैन मिलता है, रिलैक्स करके आता है, रिफ्रेश होके आता है बंदा। क्या करते हैं, बट ठीक है, बट 6 महीने बाद सडनली हमें एक न्यूज़ मिलती है कि हमारे प्रोविंस में गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की जा रही है। हमें लगा शायद र्यूमर्स हैं, फेक बात है, शायद नहीं सच बात है, क्यों, राइट? यही आपका फोन आया था मेरे पास कि यार मैंने इनको फोन किया कि ऐसे ऐसे पता लगी है, तो इज इट ट्रू? आई मीन उसके बाद लाइक मैंने 2-3 हज़ार लोगों से पता किया, एक मिनट ब्लॉग इज गोइंग ऑन गाइस, कम ऑन, बी सपोर्टिव। लकीली वी फिगर्ड आउट दैट दे आर लेइंग अ फाउंडेशन एंड गुरुद्वारा साहिब की स्थापना की जा रही है यहाँ से, हमारे शहर सेंट जॉन से कुछ 170 या 180 किलोमीटर दूर मंगटन, एक जो बड़ा शहर है उसके पास एक छोटा सा शहर है शेडियाक, जो कि न्यू ब्रंसविक और नोवा स्कॉशिया के कई बॉर्डर पे पड़ता है। वी वर वेरी ग्लैड,
हमने कार रेंट करी एक दिन पहले और अमृत और मैं वहां पे स्थापना दिवस पे गए। अरविंद भी थी, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, गलत बात है, हम उनको बीच में नहीं इंक्लूड कर रहे, गलत बात है, नहीं माय बैड माय बैड, होम मिनिस्टर को इंक्लूड कर रहे हैं। हां जी हां जी, तो ये मेरी वाली होम मिनिस्टर थी, इनकी वाली होम मिनिस्टर का अभी वीजा गया हुआ था, प्रोसेस में था, कतार में था, कतार में था, उन्होंने बायोमेट्रिक के लिए बुला लिया था, तभी नए रूल्स लगे थे। एनीवेज कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वी वेंट देयर, वी वेंट अ वेरी गुड पर्सनालिटी ओवर देयर, एक काफी एक अच्छे इंसान से मुलाकात हुई वहां पे, जिनका नाम था बलवंत सिंह जी। तो बलवंत सिंह जी बेसिकली इस प्रोविंस में कुछ टाइम पहले ही माइग्रेट हुए हैं या क्या है, कनाडा में उनको काफी टाइम हो गया, आई थिंक सो, व्हाट आई नो, व्हाट आई रिमेम्बर, अराउंड 40 इयर्स मे बी, या है ना। और न्यू ब्रंसविक में आए तो वो काफी आश्चर्यचकित हुए कि हाँ, इस प्रोविंस में गुरुद्वारा साहिब नहीं है। ही अलॉन्ग विद कपल ऑफ फ्यू मोर पीपल, यू नो व्हाट ही डिड, बेसिकली उन्होंने अपने घर के द्वार खोले, उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी वहां पे वो लेके आए, प्रकाश किया और पूरे प्रोविंस में एक स्नेहा भेज दिया, जितने भी सिक्स हैं या पंजाबी है गिने, या वी आर राइट नाउ वर्किंग आउट एंड फिलहाल मेरा घर एक थां हैगा जिथे तुसी सारे आओ, असी स्थापना करते पे हैं एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ बाइंग अप लैंड एंड ऑल द स्टफ। एंड वी वेंट देयर लकीली 19th May 2019 को, दे लेट अ फाउंडेशन एट द प्लेस विच वॉज वेरी नियर टू हिज हाउस। कुछ टाइम तक हर संडे का प्रोग्राम उनके घर पे ही चलता रहा, बाबा जी का प्रकाश। आफ्टरवर्ड्स देर आर फ्यू मोर पीपल इन द सोसाइटी जिन्होंने मिलके एक छोटी सी जगह थी, क्योंकि गुरुद्वारा साहिब को बनने में 1 से 2 साल लगने थे, इट इज़ अ प्रोजेक्ट, और इट वॉज अ प्रोजेक्ट कि भाई 2020 या 2021 की बैसाखी तक खत्म हो जाएगा, बट अगेन दिस कोविड केम इन बिटवीन और जिसकी वजह से हम भी आज गुरुद्वारा साहिब बहुत टाइम बाद जा रहे हैं, यू नो 3-4 महीने बाद वी आर गोइंग देयर। तो अभी गुरुद्वारा साहिब बना नहीं है, बट जो एक ग्रुप बना था, सोसाइटी बनी थी पंजाबियों की, जिन्होंने गुरुद्वारा साहिब की स्थापना में हेल्प की, इन लोगों ने मिलके एक रेंटेड स्पेस ले ली जहाँ पे पहले एक टाइम पे चर्च हुआ करता था, वहाँ पे इन्होंने अब बाबा जी की भीड़ का प्रकाश कर दिया और बहुत सुंदर बना दिया है। एवरी सैटरडे संडे फ्रॉम 10 to 2 गुरुद्वारा साहिब इज ओपन फॉर एवरीवन, एंड मीनवाइल जो मेन गुरुद्वारा साहिब है वहाँ पे काम चल रहा है, प्रोजेक्ट इज गोइंग ऑन। हम दोनों थे जब निशान साहिब को हमने क्या कहते हैं खड़ा किया था, निशान साहिब को खड़ा किया, मतलब वो सेरेमनी थी। हाँ, तो वी गाय, वी बोथ वर देयर एंड वी बोथ वर वेरी आउट ऑफ वेरी फ्यू पीपल, वी वर लकी, वी फील लकी कि हम दोनों थे। एंड उसकी स्थापना की गई थी मेरे ख्याल से अक्टूबर में, इफ आई रिमेम्बर अक्टूबर 2019, विद इन 6 months इन्होंने काफी प्रोग्रेस कर ली थी, एंड एट दैट टाइम मिसेस हांजरा भी थी हमारे साथ। तो हम आज जा रहे हैं गुरुद्वारा साहिब, बेबी जसमायरा को हम फर्स्ट टाइम बाबा जी के सामने मथा टिकाने लेके जा रहे हैं, तो हम आपको लेके चलते हैं गुरुद्वारा साहिब और दिखाते हैं कहाँ पे अभी राइट नाउ बाबा जी का प्रकाश हो रहा है और जो असली प्रोजेक्ट है वो कहाँ चल रहा है और कितने टाइम में और शुरू होने वाला है। We'll go inside and दिखाते हैं आपको गुरुद्वारा साहिब जी के, बाबा जी के दर्शन कराते हैं और विल सीक सम ब्लेसिंग्स एंड होप दिस कोविड एंड सून। स्वाद आ गया, अमेजिंग, मजा आ गया समोसे का, अमेजिंग, गाइस एंजॉय करो समोसे। तो गाइस, ही इज मिस्टर बलवंत सिंह एंड ही इज द पावर हाउस और द मैन और द पायनियर
जिनकी वजह से आज हम गुरुद्वारा साहिब में बाबा जी के दर्शन कर पा रहे हैं. थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम. थैंक यू. व्हाट ब्रॉट यू थिंक अबाउट कि इत्थे बाबा जी दी भीड़ नहीं है ते इत्थे इस तरह सेगा कि जदों आपां 2015 दे विच आए सीगे ते अपने नाल काफ़ी स्टूडेंट्स जिहड़े आ ਉਹ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀੜੀਅਕ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਆ ਨਿਊ ਬ੍ਰਾਂਸਵਿਕ PEI ਅਤੇ ਨੋਵਾ ਸ਼ਕੋਸ਼ੀਆ ਦੀ. ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਫਰਦਰ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਫੋਰ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਟੂ ਬੀ ਰੈਡੀ. It's new. And this is the one Gurdwara. Yeah, that's the building and entire project. Yeah, entire project. With this building, we have set up the medical center, food bank, okay, and 20 rooms, and also the ambulance garage. Okay. Right? There are 24/7 two ambulances can be parked over there for okay. community services, okay. which is absolutely free for the by. Atlantic Khalsa Darbar. Okay, so Halle right now this is a temporary place where this we are? Is a temporary and this is a 17 MacArthur Lane. Okay, this property bought last year okay in January with a 3-acre okay. land and this building we bought the last year, but where this building, this is 2386 Shediak River Road. Okay, this is a 16-acre land where and we can build the temple okay. and stadium. And when is the objective? ਜਦ ਅਸੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਾ. ਓਕੇ. ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲ ਦਾ ਮੇਨ ਫਲੋਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਐਂਡ ਆਫ ਦਿਸ ਈਅਰ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ. ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਓਕੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੂਵ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ. ਓਕੇ. ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਆਪ ਲੋਕ ਪਲੀਜ਼ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬਤਾਨਾ ਅਗਰ ਆਪਕੋ ਔਰ ਹਿਸਟਰੀ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਜਾਨਣਾ ਹੈ ਐਂਡ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੇ ਔਰ ਇੱਕ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸੇ ਵਲੌਗ ਬਣਾਏਂਗੇ ਇਸਕਾ ਐਂਡ ਜਾਣੇਂਗੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲਾਈਫ ਮੇਂ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਹੈ. ਤੋ ਆਪਨੇ ਦੇਖਾ ਜੋ ਕਰੰਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪਲੇਸ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਐਂਡ ਯੂ ਗਾਈਜ਼ ਮੇਟ ਮਿਸਟਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਨਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਮੇਂ ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਮੇਂ. ਅਬ ਹਮ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਪੇ ਆਪਣੇ ਫੋਟੋ ਮੇਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਥੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਉਹ ਬਨੇਗੀ ਜਹਾਂ ਪੇ ਕੰਸਟਰਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਹਾਂ ਪੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਡਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ. ਤੋ ਵੀ ਆਰ ਹੈਡਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦੈਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਹਾਂ ਪੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਲ ਬੀ ਦੇਅਰ. बाबा जी के दर्शन बहुत बढ़िया हो गए हैं. जिस मायरा को मत्था टिकवा दिया है तो आप सब लोगों ने भी बाबा जी के दर्शन किए होंगे. तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए आपको इस वीडियो में सबसे अच्छा क्या लगा और अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं जस्ट लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन. फॉर नाउ वी आर जस्ट एंडिंग द वीडियो. प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय.